और अब बात करेंगे स्टाइल लाइनर की लैंडिंग की। आपको बता दें कि बोइंग स्टाइल लाइनर जो सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विलमोर के साथ स्पेस गया था, लेकिन आज स्टाइल लाइनर की सफल लैंडिंग हो चुकी है, यानी कि बिना सुनीता विलियम्स के जो स्टाइल लाइनर है वो आज धरती पर लौट आया है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन महीने बाद धरती पर आया बोइंग का स्टारलाइनर। अंतरिक्ष यात्री के बिना हुई न्यू मैक्सिको में लैंडिंग। अभी अंतरिक्ष में रहेंगे सुनीता विलियम्स और बैरी वुच विल्मो। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और वुच विल्मो को स्पेस स्टेशन पर अटकाकर बोइंग का स्टारलाइनर आखिरकार तीन महीने बाद धरती पर लौट आया। जून के पहले हफ्ते में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और वुच को अंतरिक्ष में ले गया था। इसके बाद उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया और दोनों एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाए थे। अब ये स्पेसक्राफ्ट बिना क्रू के पृथ्वी पर वापस लैंड कर चुका है। जानकारी के अनुसार स्टारलाइनर भारतीय समय अनुसार तड़के 3:30 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, करीब 6 घंटे का सफर तय किया। सुबह 9:32 पर ये अमेरिका के न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट कैसे लैंड हुआ और इसकी सेफ लैंडिंग की क्या प्रक्रिया थी वो भी समझना जरूरी है। धरती पर लैंड होने से पहले स्टारलाइनर ने 8.58 पर अपने डी ऑर्बिट बर्न को पूरा किया। इस बर्न के बाद करीब 44 मिनट लगे उसे जमीन पर उतरने में। लैंडिंग के समय वायुमंडल में इसका हीट शील्ड एक्टिव था। इसके बाद ड्रो पैराशूट डिप्लॉय किया गया, रोटेशन हैंडल रिलीज हुआ जिसे स्पेसक्राफ्ट गोल घूमना बंद कर दे और सीधे एक ही स्थिति में लैंड करे। स्पेसक्राफ्ट ने नीचे की तरफ लगा हीट शील्ड निकाला। इसके बाद एयरबैग खुले और फिर एयरबैग कुशन लैंडिंग होती है, तब रिकवरी टीम आकर स्पेसक्राफ्ट को रिकवर करती है। स्टारलाइनर की लैंडिंग के बाद नासा और बोइंग की टीम इसे वापस असेंबली यूनिट से लेकर जाएगी और जहां पर इसकी जांच भी की जाएगी। ये पता किया जाएगा कि आखिर किस वजह से प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत आई, क्यों स्पेसक्राफ्ट ने डॉकिंग में सुनीता और वुच को दिक्कत दी थी। हालांकि सुनीता विलियम्स और वुच अभी भी स्पेस में है। फरवरी 2025 में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए क्रू ड्रैगन कैप्सूल भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर नोएडा से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। कौन है ये बदमाश और इनसे जुड़ी और क्या कुछ जानकारी है, इसे एक मिनट की रिपोर्ट में समझिए। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने भागने की कोशिश की, तभी उनकी वैन बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। जब बदमाश भागने में कामयाब नहीं हो सके तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों पर गोलीबारी की जिससे बदमाशों के पैर में गोली लग गई और इसके बाद पुलिस के जवानों ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार और गाड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे स्टाइल लाइनर की लैंडिंग की। आपको बता दें कि बोइंग स्टाइल लाइनर जो सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विल्मोर के साथ स्पेस गया था, लेकिन आज स्टाइल लाइनर की सफल लैंडिंग हो चुकी है, यानी कि बिना सुनीता विलियम्स के जो स्टाइल लाइनर है वो आज धरती पर लौट आया है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। धरती पर आया बोइंग का स्टारलाइनर। अंतरिक्ष यात्री के बिना हुई न्यू मैक्सिको में लैंडिंग। अभी अंतरिक्ष में रहेंगे सुनीता विलियम्स और बैरी वुच विल्मो। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और वुच विल्मो को स्पेस स्टेशन पर अटकाकर बोइंग का स्टारलाइनर आखिरकार तीन महीने बाद धरती पर लौट आया। जून के पहले हफ्ते में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और वुच को अंतरिक्ष में ले गया था। इसके बाद उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया और दोनों एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाए थे।
अब इस स्पेसक्राफ्ट बिना क्रू के पृथ्वी पर वापस लैंड कर चुका है। जानकारी के अनुसार स्टारलाइनर भारतीय समय अनुसार तड़के 3:30 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, करीब 6 घंटे का सफर तय किया। सुबह 9:32 पर ये अमेरिका के न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट कैसे लैंड हुआ और इसकी सेफ लैंडिंग की क्या प्रक्रिया थी वो भी समझना जरूरी है। धरती पर लैंड होने से पहले स्टारलाइनर ने 8.58 पर अपने डी ऑर्बिट बर्न को पूरा किया। इस बर्न के बाद करीब 44 मिनट लगे उसे जमीन पर उतरने में। लैंडिंग के समय वायुमंडल में इसका हीट शील्ड एक्टिव था। इसके बाद ड्रो पैराशूट डिप्लॉय किया गया, रोटेशन हैंडल रिलीज हुआ जिसे स्पेसक्राफ्ट गोल घूमना बंद कर दे और सीधे एक ही स्थिति में लैंड करे। स्पेसक्राफ्ट ने नीचे की तरफ लगा हीट शील्ड निकाला। इसके बाद एयरबैग खुले और फिर एयरबैग कुशन लैंडिंग होती है, तब रिकवरी टीम आकर स्पेसक्राफ्ट को रिकवर करती है। स्टारलाइनर की लैंडिंग के बाद नासा और बोइंग की टीम इसे वापस असेंबली यूनिट से लेकर जाएगी और जहां पर इसकी जांच भी की जाएगी। ये पता किया जाएगा कि आखिर किस वजह से प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत आई, क्यों स्पेसक्राफ्ट ने डॉकिंग में सुनीता और बुच को दिक्कत दी थी। हालांकि सुनीता विलियम्स और बुच अभी भी स्पेस में है। फरवरी 2025 में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए क्रू ड्रैगन कैप्सूल भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर नोएडा से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। कौन है ये बदमाश और इनसे जुड़ी और क्या कुछ जानकारी है, इसे एक मिनट की रिपोर्ट में समझिए। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने भागने की कोशिश की, तभी उनकी वैन बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। जब बदमाश भागने में कामयाब नहीं हो सके तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों पर गोलीबारी की जिससे बदमाशों के पैर में गोली लग गई और इसके बाद पुलिस के जवानों ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार और गाड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे स्टाइल लाइनर की लैंडिंग की। आपको बता दें कि बोइंग स्टाइल लाइनर जो सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विलमोर के साथ स्पेस गया था, लेकिन आज स्टाइल लाइनर की सफल लैंडिंग हो चुकी है। यानी कि बिना सुनीता विलियम्स के जो स्टाइल लाइनर है वो आज धरती पर लौट आया है। इसी से जुड़ी आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। धरती पर आया बोइंग का स्टारलाइनर। अंतरिक्ष यात्री के बिना हुई न्यू मैक्सिको में लैंडिंग। अभी अंतरिक्ष में रहेंगे सुनीता विलियम्स और बैरी वुच विल्मो। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और वुच विल्मो को स्पेस स्टेशन पर अटकाकर बोइंग का स्टारलाइनर आखिरकार 3 महीने बाद धरती पर लौट आया। जून के पहले हफ्ते में बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता और वुच को अंतरिक्ष में ले गया था। इसके बाद उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया और दोनों एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाए थे। अब ये स्पेसक्राफ्ट बिना क्रू के पृथ्वी पर वापस लैंड कर चुका है। जानकारी के अनुसार स्टारलाइनर भारतीय समय अनुसार तड़के 3:30 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, करीब 6 घंटे का सफर तय किया। सुबह 9:32 पर ये अमेरिका के न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में लैंड हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट कैसे लैंड हुआ और इसकी सेफ लैंडिंग की क्या प्रक्रिया थी वो भी समझना जरूरी है। धरती पर लैंड होने से पहले स्टारलाइनर ने 8.58 पर अपने डी ऑर्बिट बर्न को पूरा किया। इस बर्न के बाद करीब 44 मिनट लगे उसे जमीन पर उतरने में। लैंडिंग के समय वायुमंडल में इसका हीट शील्ड एक्टिव था। इसके बाद ड्रो पैराशूट डिप्लॉय किया गया, रोटेशन हैंडल रिलीज हुआ जिसे स्पेसक्राफ्ट गोल घूमना बंद कर दे और सीधे एक ही स्थिति में लैंड करे। स्पेसक्राफ्ट ने नीचे की तरफ लगा हीट शील्ड निकाला। इसके बाद एयरबैग खुले और फिर एयरबैग कुशन लैंडिंग होती है, तब रिकवरी टीम आकर स्पेसक्राफ्ट को रिकवर करती है।
स्टारलाइनर की लैंडिंग के बाद नासा और बोइंग की टीम इसे वापस असेंबली यूनिट से लेकर जाएगी और जहां पर इसकी जांच भी की जाएगी। ये पता किया जाएगा कि आखिर किस वजह से प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत आई, क्यों स्पेसक्राफ्ट ने डॉकिंग में सुनीता और बुच को दिक्कत दी थी। हालांकि सुनीता विलियम्स और बुच अभी भी स्पेस में है। फरवरी 2025 में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए क्रू ड्रैगन कैप्सूल भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर नोएडा से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। कौन है ये बदमाश और इनसे जुड़ी और क्या कुछ जानकारी है, इसे एक मिनट की रिपोर्ट में समझिए। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने भागने की कोशिश की, तभी उनकी वैन बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। जब बदमाश भागने में कामयाब नहीं हो सके तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों पर गोलीबारी की, जिससे बदमाशों के पैर में गोली लग गई और इसके बाद पुलिस के जवानों ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार और गाड़ी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।